टू फेस कैमरा, खुदा का खौफ करें। और मैं बैक कैमरा खोल के आपको कहां से आए हैं? डेर अस्मिल खान से। ताहिबा बरकातु जी, हां आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और सब लोग कैसे हैं? आप से ठीक होगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने भी दोस्त मशीन बुकिंग करवाना चाहते हैं अपनी बुकिंग करवाएं। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को बाद में बताता हूं। ये मेरे भाई हैं। भाई जी जी, कहाँ से आए हैं? डेरा अस्मिल खान से। डेरा अस्मिल खान से भैया आए हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। पूरा अपने हाथों से पीस लगाएंगे इंशाल्लाह, मौतमिन होकर फिर जो है ये सामान जो इनके हैंड ओवर किया जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने पीस लगाए हैं। अभी तक जैसे इनका हाथ टिकता है फिर हम इनको छुट्टी देंगे, फिर मशीन इनके हैंड ओवर करेंगे जैसे ही तैयार होती है। तो उसके अलावा बैक कैमरा खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तकरीबन ये देख लेंगे 10-15 मिनट का सिर्फ समझाना था इनको। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका हाथ नीट एंड क्लीन होता जा रहा है और जैसे ही ये बिल्कुल क्लियर पीस लगाएंगे इंशाल्लाह 8-10-15-20 तो तभी इनको साथ ही क्लियर कर देंगे। ये देखें ये इस तरह हम लोग जो है मशीन पे पूरी ट्रेनिंग दे के फिर पैक करके उनके हैंड ओवर करते हैं या फिर बिल्टी वगैरह लगवाते हैं। तो कुछ लोग हैं मशीनें घर बैठे मंगवा लेते हैं, उनको नहीं पता होता, एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो परेशान होते हैं। तो कुछ लोग एक्सपेरिमेंट वाले होते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं, चला लेते हैं, उनका इशू नहीं है। तो जब भी मशीन लेनी है कोशिश किया करें कि बाई हैंड ले कर चला के ओके करके फिर लेकर जाया करें। कुछ छोटे मोटे डीलर्स हजरात जो हैं उन लोगों को ये मैं दिखाता चलूं कि कंप्रेसर 50 लीटर भी होता है, उससे छोटा भी होता है। ये देखें ये छोटा कंप्रेसर भी होता है। तो जिन लोगों को इस चीज़ का नहीं इलम नहीं पता ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 15-16 लीटर का कंप्रेसर जो है ना वो ये होता है, 15-16 लीटर का कंप्रेसर। और मैं बैक कैमरा खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें ये कंप्रेसर होता है। तो कुछ लोग तहरीरें कर रहे हैं कैमरे में बैठ के, तो उन लोगों को बताता चलूं कि ये 50 लीटर का जो होता है उसका टैग वगैरह भी लगा होता है ऊपर। दूसरी बात यह है टैंकी उसके कम से कम 3 फुट 2.5 से 3 फुट होती है जो ऊपर 50 लीटर का होता है। जो 24 लीटर का होगा उसकी तकरीबन 2 फुट टैंकी होगी। जो 15-18 लीटर का कंप्रेसर होगा उसकी 1.5 से 2.25 फुट टैंकी होगी। और उसके अलावा जो है लोगों को क्लियर करता चलूँ, जो लोग कहते हैं कि टैंकियाँ रख के अंदर वेल्ड की जाती हैं उसका भी सोल्यूशन आप लोगों को बताता हूँ किस तरह होता है। अंदर टैंकी को सिर्फ उठा के रखा जाता है ना कि इसकी मोटर को, इसकी टैंकी को भी सिर्फ अंदर रखा जाता है, अंदर से कनेक्शन लेके ऊपर दिया जाता है। तो ऊपर जो है वो एक मतलब कि नॉर्मल कबाड़ से लेकर मशीन, हमारे पाकिस्तान में पंजाब में खासतौर यही काम लोग कर रहे हैं, कबाड़ से लिए उसको दोबारा यूज़ किया, बनाया, उसको फिल किया, तो उसके बाद जो है उसको चाइना के ऊपर में दोबारा उसकी मोटर तैयार की जाती है, उसको कलर मार दिया जाता है। जैसे ही वो कलर मार के उनको न्यू कर देते हैं फिर उसको उसके ऊपर रख के हैंड टैंकी के ऊपर क्लियर कर देते हैं। जबकि उनकी ना कोई गारंटी है, ना कोई उनका प्रेशर है, ना इतना काम है, शोर ज़्यादा है उस चीज़ का। तो ये मैं आप लोगों को ऊपर पिक्चर भी चलाकर दिखा देता हूँ, पिक्चर ऊपर लगी होगी, आपने कंप्रेसर देखा होगा। इसके अंदर जो है सिर्फ 15 लीटर का कंप्रेसर रख दिया जाता है। जो 15 लीटर का कंप्रेसर रखा जाता है ना उसके ऊपर मोटर नहीं होती, वो सिर्फ टैंकी अंदर वेल्ड की जाती है, टैंकी के टायर वगैरह उतार के उस टैंकी के अंदर वेल्ड किया जाता है, ठीक है। उसमें से पाइप ऊपर लिया जाता है, वो सिर्फ एक लोहे की चादर बनाई जाती है। वो इसलिए अगर वो टैंकी अंदर नहीं रखेंगे, वो बड़ी टैंकी के अंदर हवा फिल करेंगे, तो उसके लिए आप उन लोगों को बड़ी मोटर रखनी पड़ेगी, जो मतलब के 3 फेज या उससे बड़ी मोटर होती है वो आपको लगानी पड़ेगी। तो ये सिंपली जो घरों की छोटी मोटी मोटरें जो है ये चलती है टोका पे या पंप वगैरह पे या डोंकी पंप वगैरह की, ये मोटर ऊपर रख देते हैं। इसने प्रेशर तो अंदर उसको जाके देना होता है ना, ना कि इतनी बड़ी टैंकी, इतनी बड़ी टैंकों को चलाने की इसकी मतलब कि वक्त नहीं होती, ना ये कर सकता है। तो खुदा का खौफ करें, इस तरह के कामों से बचें। और ये जो काम कर रहे हैं वो लोग भी ईमानदारी से काम करें, हलाल रिज़्क खाएँ, थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें। और उसके अलावा छोड़ें इन लोगों का ईमान उन लोगों के साथ, लेकिन ये तहरीर मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर करके बता रहा हूँ कि छोटी टैंकी को अंदर रख के वेल्ड कर देते हैं, उसकी मोटर वगैरह अंदर नहीं लगी होती, सिर्फ टैंकी को रखते हैं अंदर, उसमें से पाइप लेते हैं ऊपर निकाल देते हैं। वो इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो ऊपर मोटर पड़ी होती है ना, बेशक जितनी बड़ी भी है लेकिन है लो क्वालिटी की, जो लोगों ने तोड़ फोड़ के ख़राब करके फेंकी होती है ना कबाड़ में, उसको दोबारा उठाया जाता है, उसको कलर मारा जाता है, फिर उसको दोबारा उसके अंदर तारें भरी जाती हैं चाइना के ऊपर में, फिर उसको फिल करने के बाद उसको ऊपर रखा जाता है, फिर वो सिर्फ उस अंदर जो कंप्रेसर छोटा रखा उसको फिल करने की उसकी ताकत होती है, बड़ी टैंकियों का नहीं होती। तो ये क्लियर इसलिए मैंने किया, कुछ लोग ऐसे अपनी मतलब के आवाज़ें निकाल रहे थे अजीबो गरीब, ना कोई बोलने का पता, कैमरे के सामने आके बैठ जाते हैं, ना कोई उन लोगों को इंटरव्यू का पता है, ऐसे अपनी छोड़ते रहते हैं। बर
उनका जहन उनका माइंड चले करते रहें मौजे करें, लेकिन एक बात मैं बता दूं, टू फेस कैमरा, खुदा का खौफ करें, आप लोगों को मरना है एक दिन, तो काम अच्छे करें, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें। अगर आप लोग लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, आपकी कंप्लेनें मेरे पास आएंगी तो मैं आप लोगों की क्लास लेता रहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इनका सामान वगैरह यहाँ से निकाल दिया गया है, कॉपर में, चाइना कॉपर में, फोर कोर में, जितने भी किसी को कॉयल वगैरह चाहिए तो मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक अभी और मेरी गाड़ी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये पिने वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मैंने इंपोर्ट करवाई हैं, तो वो भी थोड़ी देर तक आती हैं, हो सके तो मैं इसी वीडियो में क्लिप आप लोगों को शॉर्ट क्लिप लगा कर दिखा दूँगा। ये मेरे पास 35-35 में जो है ना, 35-35 10-10 में जो है कॉयल मेरे पास पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही आला क्वालिटी है और इसमें बहुत ही अच्छा मतलब के रिस्पांस आता है। उसके अलावा रेड कलर में मेरे पास ये लाइनिंग वाला पड़ा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छा रिस्पांस है इसका, 1.1% दे रहा है। टू कोर में मेरे पास 25-25 तारों वाला कॉयल्स पड़ा हुआ है, किसी भाई को चाहिए अपने भाई के साथ रब्ता कर सकता है। रेड कलर भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इसमें सबसे पहले जो है ना, आप लोगों को छीलने में तार को ना, यहाँ से आप लोग जब कटर से छीलते थे तो या साथ ये भी तारें छीली जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये मसला नहीं आएगा। जब ये मसला आएगा तो हमारी जिम्मेदारी होगी इंशाल्लाह ताला। ब्लैक कलर भी इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा ये कटर वगैरह आप लोगों को चाहिए तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों के मोल्डिंग के वक्त टांके टूट जाते हैं, तो भैया ये वाला विक्ट्रा कंपनी का सॉर्टिंग वायर यूज़ करें। उसके अलावा जो है आप लोगों को केबल चेक करनी है, केबल चेकर हमारे पास अवेलेबल है, किसी भाई को चाहिए, चाइना इंपोर्ट है। तो कुछ लोग हमारी कॉपियां कर रहे हैं, तो कॉपियों से परहेज़ करें, लोग बहुत आजकल ठग रहे हैं लोगों को, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये कुछ मेरे ऑफिस का व्यू है, आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें, ये चीज़ें दिखाना आप लोगों को लाजमी है, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये भाई रियल काम हो रहा है। और जो स्क्रीन के ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सअप नंबर देखा, वो मेरे ऑफिस में भी यही नंबर लगा हुआ है, ये देखें ये नंबर और एक ये नंबर, ये गौर करें, ठीक है, सेम टू सेम ये नंबर मेरे इधर ऑफिस में भी लिखकर लगाए हुए हैं। और ये मेरे ऑफिस का कुछ व्यू है, जब भी आप लोग आएंगे आप लोगों को ये सब कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रॉपर तरीके से, खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती है, लोग आते हैं हमारे पास, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, पाक ने जितनी फुर्सत दी है। और आप जैसे भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ तआवुन कर रही हैं और मेरे ऊपर इतना एतमाद कर रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह के बिना तकल्लफ, बिना सोचे समझे आप लोग मेरे ऊपर एतमाद करके पेमेंट सेंड कर रही हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और आप जैसे बहन भाइयों को शुक्र अदा करता हूँ, आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं भी पूरी कोशिश और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे ईमान को पुख्ता रखे, सब लोगों की हेल्प करता रहूँगा जहाँ तक हो सका। और ये जो टूटे फूटे लोग ऐसे कुछ बिला वजह बातें बनाते करते हैं, उन लोगों का काम है करते रहना, हमारा काम है काम को सर अंजाम देते रहना। उन लोगों को काम है काम को ख़राब करते रहना, हमारा काम है काम को परफेक्ट बनाते रहना इंशाल्लाह। यहाँ आप लोगों को साथ साथ और बताता चलूँ, एक मशीन जो है, आप लोगों को अगर घोड़ा मशीन चाहिए, उसको घोड़ा मशीन कहते हैं, बड़ी मशीन है, उसका बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ना वो डबल पीस लगाती है ना वो डबल पीस भरती है, बहुत मुश्किल काम है आप लोगों के लिए। तो जहाँ से भी लेनी है मशीन, जो मैं मशीन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो सिंगल पीस वाली लेनी है और उस मशीन को तसल्ली से चेक करना है। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आप लोग रابطہ उस बंदे से करें जो बंदा आपको पूरा प्रोटोकॉल दे रहा है, आप लोगों की कॉलें भी कर रहा है, साथ साथ आप लोगों को पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो ये मशीन आप लोगों को तस्वीर ऊपर शो हो रही होगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ से बचना है कि ये चीज़ अगर आप लोगों को चाहिए तो ये 35-40 हज़ार की हमें मिल रही है, ठीक है। मैंने क्यों फ़ेल किया, मैं क्यों नहीं रिसीव कर रहा इसको, वो इसलिए क्योंकि ये नाकाम है, मैंने खुद मशीन को फेल्ड कर दिया है, फेल कर दी है। मेरी आदत है, मेरी अपनी चीज़ है, मैं लोगों की चीज़ बनाता हूँ या कोई भी चीज़ बनाता, पहले मैं खुद चेक करता हूँ, अगर मैं खुद पास करूँगा तो फिर आगे भेजूँगा। जैसे कि अंदर ट्रेनिंग हो रही है, वो मशीन ओके होगी, पीस सैंपल लग के मेरे पास इधर ऑफिस में आएंगे, मैं उनको पास करूँगा तो फिर उसको मशीन हैंड ओवर की जाएगी, नहीं तो अदरवाइज़ कोई भी मसला उसका सोल्यूशन निकाल के मशीन चेंज करके फिर दोबारा हम करके देंगे इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह इधर बैठे बैठे ओके करके जब ओके होगी फिर मशीन हैंड ओवर करेंगे, ना कि उधर से भेज दें फिर बाद में काले ना उठाएं जाएं आएं, ये मसला मसाला हम लोग नहीं करते भैया। किसी को मशीन चाहिए इधर आ जाएं, ओके करें ले जाएं, किसी बंदे को एक्सपीरियंस है हाँ वो बंदा घर बैठे मंगवा सकता है, मंगवाने के बाद भी कोई हमारी सपोर्ट की ज़रूरत हो हम हाजिर हैं। कहीं और से चीज़ ले ली है, आस पास के छोटे मोटे डीलरों से आपने ये चीज़ें ले ली हैं, रॉ मटेरियल वगैरह ले लिया है, तो इन चीज़ों पर आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। कुछ बहुत ज़्यादा धोखेबाजियाँ चल रही हैं,
कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप वीडियो में चीज़ की प्राइजेस क्यों नहीं बताते, यूएसबी पिनों की प्राइजेस क्यों नहीं बताते, तो साथ जो है ये कॉयल्स वगैरह की प्राइस क्यों नहीं बताते। भैया बात ये है ना कि जेन रखते हैं कि प्राइस बताएं, सोचें, आपका दिमाग काम नहीं करता। आप ये सोचें कि आप लोग आज क्या रेट है, अगले दिन क्या रेट होगा, उससे अगले दिन क्या होगा। वीडियो तो सदा चलती रहनी है, फिर वीडियो में इख्तलाफात आ जाते हैं कि भाई आपने वीडियो में तो ये रेट बताया था, आप ये रेट दे रहे हैं। अब वीडियो में मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ का 5000 रेट बता देता हूँ, वो 3500 का होता है, फिर आप मुझे कहेंगे कि भाई वो 5000 बताया था 3500, ये आप तो नहीं कहेंगे। लेकिन जब बढ़ेगा फिर आप कहेंगे यार उसमें तो 5000 बता रहे थे, आप 6000 क्यों कह रहे हैं। ये चीज़ें आप लोग खुद समझा करें, समझदार लोग हैं। जो जाहिल लोग हैं वो तो बैठ के बस कैमरे के सामने बोलते रहते हैं, उन लोगों को क्या इस चीज़ का पता। तो इन चीज़ों को मैं इग्नोर करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ पूरा तावन रहेगा। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, कोई भी किसी तरह की सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, या कोई भी मशीन, रॉ मटेरियल A to Z, दाना वगैरह, ऑटो मशीन, सोल्डरिंग मशीन, जो भी चीज़ चाहिए अपने भाई के साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला पूरा भरपूर तावन किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।